तो किया था, तो उन्होंने बोला तुम किसी एक चीज को क्यों नहीं करती। मैंने कहा अब तो मैंने इतनी सारी चीजें कर ली है कि मैं एक किस चीज को करूं। इतनी सारी चीजें कर रही थी, उसके बावजूद जो मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी ना वो 300 रुपए। और जब मैंने इस बिजनेस में आई थी, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी, तो मेरा एक ही रीजन था आने का, वो था हेल्थ। क्योंकि जब मैं लाइफ में जॉब कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, जब मेरी डॉटर पैदा हुई थी तो शी वॉज अ स्पेशल चाइल्ड, वो ब्रीथ नहीं कर सकती थी नॉर्मल, उसको बहुत सारे इश्यूज थे। मैं एम्स में उसको हर हफ्ते 15 दिन 20 दिन, कई बार उसको मुझे 2-2 चक्कर लगाने पड़ते थे। और अगर आप में से कोई एम्स गया है और ओपीडी में अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आपको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है, वरना उनका एक टाइम स्लॉट होता है, उसके बाद वो देते ही नहीं है आपको टाइम। और जब मैं वहां जाती थी तो डॉक्टर मुझे बोलता था क्यों इतनी भाग दौड़ करते हो, 12 साल तक तो जिएगी ये बस। और मैं उनको कहती थी आप ऐसे क्यों बोलते हो, कोई तो रीजन दीजिए कि और जिए। तो मैं आज आपके साथ वही जर्नी पर लेकर जाऊंगी कि कैसे मैंने अपनी डॉटर को, जिसे कहा गया था कि सिर्फ वो 12 साल तक जिएगी, आज वो 24 साल की टॉपर है अपनी कॉलेज, बैंगलोर में बहुत ही अच्छे प्रोफेशन में है, इस बिजनेस में बहुत अच्छे प्रोफाइल पर है और इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रही है। चलेंगे मेरे साथ उस जर्नी पे? Yes. बस इतने लोग ही चलेंगे? Yes. मेरा एक ही प्रिंसिपल है कि जब तक जियो यंग जियो। कौन कौन चाहता है? Yes. मेरा एक ही फंडा है जी, मरना सबने है, सब मरेंगे, लेकिन कैसा रहे कि आप यंग मरे। इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द हेल्थ। और आज सारी दुनिया में हेल्थ के ऊपर बहुत बात होती है। मैं तो खुद एक प्रोफेशनल डाइटिशियन हूं, तो सारा दिन देखती हूँ ये सारी चीजें। कि सबसे ज्यादा बात पता है, जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तब अगर मैं किसी से हेल्थ की बात करती थी या जब मैंने अपना डाइटिशियन का कोर्स कंप्लीट किया था, तो मेरे फादर बोलते थे इसमें क्या है, इसमें तो कुछ फ्यूचर ही नहीं है। और आज लोग पर्सनली हायर करते हैं डाइटिशियन को, स्टेटस सिंपल हो गया है। पहले जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी ना, तो जब हेल्थ की बात करते थे तो लोग बोलते थे जी हम तो सब खाते हैं, सब करते हैं। और आज जब मैं बात करती हूँ तो लोग बोलते प्लीज बता दो। मतलब एक कोविड ने लोगों के अंदर ये अवेयरनेस ला दी कि हेल्थ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवरीथिंग। तो आज मैं आपको उसी जर्नी पर लेकर जाऊंगी और बात यहीं से शुरू करूंगी हेल्थ की। हमें गलत फहमी है, स्पेशली जब मैं इस बिजनेस में नहीं आई थी, तब मुझे लगता था कि मैं तो ठीक तो हूँ, मुझे क्या बीमारी है। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जैसे जैसे मैंने आगे हेल्थ के बारे में जाना, तो ये पता चला कि सिर्फ 5% लोग हेल्दी हैं, सिर्फ 10% लोग हेल्दी हैं, 5% लोग सिक है। ज्यादातर जो लोग है ना वो कहाँ है, सब हेल्दी में, कुछ ना कुछ जरूर है। आप में से जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई एक जना हाथ उठा के मुझे ये बताइए आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है। देखा, आप सब हेल्दी में आ गए ना, एक बार क्लैप कर सकते हैं मैम के लिए, एक ही हाथ उठाए। मेरे साथ आप इस जर्नी पे चलोगे तो खड़े होकर बोलोगे यार मैं भी आई गई सब हेल्दी में, कोई नहीं, पर नाइस गुड। अब हमें ये तो पता चल गया कि सारी दुनिया में मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में हैं, पता चल गया। अब अगर मैं आपको कुछ ऐसे सवाल बता दूं कि आप उन लोगों से जाके पूछें आप डाइटिशियन हैं या नहीं, आप डॉक्टर हैं या नहीं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, आपको ऐसे 4-5 सवाल बताऊंगे कि जैसे ही आप उनसे पूछोगे ना, वो पूछेंगे आपसे आप डॉक्टर हो क्या, जानना चाहेंगे वो सवाल। Yes. पक्का? Yes. आवाज नहीं आई मेरे को? Yes. पक्का जानना चाहते हैं? Yes. तो सबसे पहला